गाइस वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो मैं चमन आ चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। सो आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू किक अप, मतलब किक अप कैसे सीखा जाए। ये मैं वीडियो ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए लेके आ रखा हूँ क्योंकि उनको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है सीखने के लिए, तो ये बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि किक अप कैसे सीखा जाए। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो मैंने कैसे सीखी। तो सबसे पहले मैं स्टेप वन में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आप एक्सरसाइज कर लेना कि जिससे मतलब आपको इंजरी ना हो, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेना, उसके बाद स्टेप वन में जाना। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किक अप होता कैसे है। सो स्टेप वन है हमारा, हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको हैंड की पोजीशन बता देता हूँ कि हैंड की पोजीशन हमारी आएगी कैसे। जब हम एक रोल लेंगे तो हमारा हैंड किस तरीके से पीछे आएगा, ठीक है। तो या तो आप ये फिंगर रख सकते हैं अपनी पीछे को, या फिर अपनी हथेली रख सकते हैं ये वाली हिस्सा पीछे को ऐसे करके। मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ कैसे रखते हैं। सिंपली आपको यूँ बैठना है ये, और यहाँ से एक बैक करके यूँ करना है। ये देखिए, ये मेरा हाथ आ रहा है, ये इस तरीके से मेरी पूरी हथेली आ जा रही है, जिससे जब आप किकअप मारो तो आपको थोड़ी हाथ से भी जंप लेनी है, जिससे आपकी किकअप मतलब अच्छी आप जो अच्छे पैरों पर लैंड कर सको। तो आपको कहना है या तो फिंगर रख सकते हैं ऐसे करके ये, या फिर आप अपनी हथेली रख सकते हैं यू करके ये, ठीक है। सो स्टेप टू है हमारा, हमें क्या करना है, अब एक रोल लेना है पीछे को, और साथ ही साथ अपने जो लेग हैं उनको भी पीछे को उनके साथ ही लेके आना है। और कोशिश ये करना है कि अपने लेग को थोड़ा स्ट्रेट रखने की कोशिश करना। मैं सीधा आपको दिखा देता हूँ, सिंपल ये पीछे जाना है, ये हाथ और ये सिंपल ये और ये। सो स्टेप थर्ड है हमारा, हमें क्या करना है, अब जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड स्टेप था उन दोनों को हमको जोड़ देने हैं, और मतलब एक रोल की मतलब रोल लेके खड़े स्टैंडिंग होने की मतलब एक कोशिश करनी है। ये देख लिए कैसे, सिंपल ये और ये सिंपल एक मतलब स्टैंडिंग इस पोजिशन में खड़े होने की कोशिश करनी है। ये सिंपल एक खड़े होने की कोशिश करनी है। चल सो स्टेप फोर है हमारा, हमें क्या करना है, अब मैं आपको लेग की पोजीशन बता देता हूँ कि कैसे रखनी है। आपको लेग किस तरीके मतलब ऊपर को मारनी है, सामने को मारनी है, ये बता देता हूँ मैं। लेग मतलब आपको किक कहाँ को करना है, सिंपल ये पोजीशन है हमारी, हमें पहले ये जाना है वापस यहाँ पर। आपको किक क्या करनी है, यहाँ से ऊपर को मारनी है, ऊपर को जितना ऊपर को मारोगे उतनी अच्छी आपकी लैंडिंग आएगी। ये ऊपर को यहाँ को मारोगे तो ये हिस्सा बहुत गलत है, मतलब इसमें आप क्या करोगे, ये देखो ये ऐसी पोजीशन आएगी आपकी, मतलब अगर आप इसको यहाँ को ट्राई करोगे तो मेक श्योर कोशिश ये करना कि आप ऊपर को किक मारो, ऊपर को, ठीक है। ये इस तरीके से ऊपर को किक मारने की कोशिश करना। सो स्टेप फाइव हमारा, हमें क्या करना है, अब एक आर्च बनाने की कोशिश करनी है। जितने स्टेप बताए थे उतने करने हैं और एक आर्च बनाने की कोशिश करनी है मुझे। देख लीजिए कैसे, सिंपल ये पीछे गए हम, ये किक और ये एक आर्च बनाने की कोशिश करनी है प्रॉपर, ठीक है। सिंपल ये पीछे आए और ये यहाँ से ये किक और ये, ठीक है, एक आर्च बनाने की प्रॉपर कोशिश करनी है। स्टेप सिक्स है हमारा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, जब आप इसमें एक आपको एक प्रॉपर किक अप मारने की कोशिश करनी है, और मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना कि जितनी अच्छी आप किक मारोगे ऊपर को उतनी अच्छी आपकी मतलब लैंडिंग आएगी, और हल्का हाथ से आपको जंप लेना है, और जितनी अच्छी आप अपने लेग से किक करोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी उससे किक आएगी उतनी अच्छी आपकी यहाँ मतलब लैंडिंग होगी बैक, ये किक अप में आपकी लैंडिंग होगी। तो एक बार देख लीजिए मुझे कैसे, तो मुझे देख लीजिए कैसे, सिंपल आपको यहाँ से ऐसे यहाँ जाना है ये हाथ, और यहाँ से आपको कोशिश करनी है जितनी अच्छी आप यहाँ से किक मारोगे, जितनी अच्छी आप ऊपर को किक मारोगे उतनी अच्छी आपकी यहाँ लैंडिंग आएगी, और हल्का हाथ से जंप लेने की भी कोशिश करनी है। तो मुझे एक बात से देख लिए, और ये ध्यान में रखिए जब आप मतलब यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप इस तरीके से एक अच्छा सा रोल लेने की कोशिश करना, जिससे आपका एक मोमेंटम बन सके। आपको है ना यहाँ से एक रोल तेज रोल लेने की कोशिश करनी है जिससे एक मोमेंटम बन सके। और तो स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे ये और ये किक, ये देखिए स्टार्टिंग में आपकी ऐसे ही आएगी, ठीक है। एक और बात दिखा देता हूँ, जितनी अच्छी किक होगी उतनी ही अच्छी, और यहाँ से स्टार्टिंग का मोमेंटम याद रखना बस, ठीक है। यहाँ से स्पीड ये हाथ से जंप और किक ये, ठीक है। सो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी मतलब जब लैंडिंग है इस पोजिशन पर आप आ सकोगे,
ठीक है। और ज़्यादा ध्यान रखना कि किक जितनी अच्छी पड़ेगी और हाथ से जंप उतनी अच्छी यहाँ लैंडिंग आएगी, ठीक है। और आर्च अच्छा बनाने की कोशिश करना। आपको दिखा देता हूँ एक प्रॉपर किकअप कैसे होती है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना आप भी। ये देखिए सिंपल, यहाँ से मोमेंटम लेते हुए ये किक और ये, ठीक है। सिंपल, यहाँ से पीछे ये और जितनी तेज किक, और हाथ से जंप, हाथ से जंप, लेग से किक, उतनी अच्छी आपकी ये लैंडिंग आएगी। जैसे मैं मार रहा हूँ वैसे ही मारने लग जाओगे आप। सिंपल ये देखिए इस तरीके से। तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। और वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं किसी ऐसे ही इजी ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Like you, be strong, to hold the powers of the sun.